दिल्ली में लाखों रुपए की नौकरी छोड़ पौड़ी जिले सत्याखाल गांव लौटी डॉक्टर सविता ने बागवानी को अपनी आजीविका का जरिया बनाया है। सविता के प्रयासों को देखने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सविता के बागवान में पहुंचे और उनके प्रयासों की तारीफ भी की। सविता ने बताया कि दिल्ली में BHMS की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में उन्होंने 12 साल मेडिकल सेक्टर में कार्य किया, लेकिन फिर पहाड़ों के प्रति उनका लगाव उन्हें पौड़ी खींच लाया। दिल्ली रहती थी एक्चुअली, 12 साल वहीं पे जॉब की मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने सोचा कि अपने उत्तराखंड में कुछ काम किया जाए, तो आई। मैंने स्टार्ट वेजिटेबल से किया था, तो मैंने सोचा था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाऊंगी, वो ही हम सेल करेंगे। लेकिन क्या था कि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो तब मेरे को एप्पल का ध्यान आया कि हमारे गढ़वाल में तो लगते थे एप्पल, तो तब एप्पल पे काम किया और लकीली उसी साल से एप्पल मशीन शुरू हुआ था, तो फिर उसमें मैंने एनरोल करा। मैंने सब कुछ करवाया यहाँ पे, लैंड वगैरह ना, फिर पॉली हाउस वगैरह बनवाए, फिर एप्पल मशीन लिया, तो इसमें सरकार का भी काफी योगदान मिला मुझे। शुरुआत तो चलिए मैंने की यहाँ पे आके और सारा काम करवाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सब्सिडी वगैरह है इन सब चीजों में, तो मैंने तब सरकार की। देखिए, जब से हम लोगों ने एप्पल मिशन शुरू किया पूरे राज्य में, और जब से हम लोगों ने 0% पे ऋण देना शुरू किया किसानों को, तो अकेले मेरे क्षेत्र में अभी तक लगभग 42 लोगों ने बगीचे लगाने शुरू कर दिए, और पौड़ी पे तो ये लोग पहले से भी लगा रहे हैं, और मैं जब भी दौरे पे जाता हूँ तो एक बगीचा देखने जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए, और नई पीढ़ी को इसका जो है एक वो भी पड़ेगी कि भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और ये तो दिल्ली से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा कि इनका बहुत सक्सेसफुल मॉडल यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वैरायटी जो है हम अपने ज़िले में लोगों को, किसानों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, और काफ़ी किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार ने काफ़ी अभिनव प्रयास किए हैं, चाहे एप्पल मिशन में हो, चाहे कीवी मिशन पे हो, चाहे होम स्टे पे हो, तो ताकि लोगों को स्वरोजगार की तरफ ले जाया जा सके।